आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल है। लीजिए चिंतन सुनिए। मन को अडोल करने के लिए लंबे समय से अनेक आलंबनों का सहारा लिया जाता रहा है, जैसे किसी मूर्ति का ध्यान करके, किसी मंत्र या नाम को जप करके, किसी रंग रूप आकृति का ध्यान करके, जपा जाप, खेचरी मुद्रा, अनहदनाद, ज्योतिर्मय स्वरूप विधियों का ध्यान करके। लेकिन अपनी सांस, अपने मन को शुद्ध रूप में अडोल करने का सबसे अच्छा आलंबन है, क्योंकि सांस क्षण प्रतिक्षण हमारे साथ है। मन को अडोल करने के लिए वर्तमान में रहना बहुत ही जरूरी है, और सांस से ज्यादा वर्तमान और कुछ नहीं है। हमारा सांस हमें बाहर से भीतर अपने मन की तलस्पर्शी गहराइयों तक ले जाने के लिए एक पुल का काम करता है। सांस का हमारे शरीर के साथ बहुत गहरा संबंध है। जब भी कोई अच्छी बुरी मनचाही अनचाही बात होती है तो सांस अपनी स्वाभाविक गति खो देता है, थोड़ा तेज या धीमा सा हो जाता है। लेकिन अपने मन को जो क्षण प्रतिक्षण या तो भूतकाल में जीना चाहता है या भविष्य काल में जीना चाहता है, उसे अपने सांस के सहारे हमें किस प्रकार वर्तमान में स्थित करना है, इसके लिए प्रतिदिन सूर्योदय से आधा घंटा पहले से लेकर के सूर्योदय से आधा घंटा बाद तक, यानी एक घंटे रोजाना एक ही स्थान पर अपने शरीर को जरा सा भी हिलाए डुलाए बिना कमर को सीधा रखें, गर्दन व चेहरे को शून्य मुद्रा यानी रिलैक्स रखते हुए बैठे रहें। किसी भी अंग में तनाव या खिंचाव न रखें। इन सभी बातों को जांचने के बाद अपना सारा का सारा ध्यान अपनी सांस के आवागमन पर लगाए रखें। जैसे ही सांस अंदर जाए तो यह साफ साफ मालूम पड़ता रहे कि इस क्षण की यही सच्चाई है कि मेरी सांस भीतर जा रही है। अंदर जाती जाती सांस थोड़ी धीमी होकर के क्षण भर के लिए भीतर रुकेगी, और जब सांस भीतर रुकी हुई हो तो हमें पूरा बोध होना चाहिए कि इस समय मेरी सांस भीतर रुकी हुई है। इसी प्रकार जैसे सांस बाहर की तरफ आने लगे तो इसकी भी हमें क्षण प्रतिक्षण जानकारी बनी रहनी चाहिए। भीतर की तरह बाहर भी सांस क्षण भर के लिए रुकेगी। जब सांस बाहर रुकी हुई हो तो भीतर की तरह बाहर भी सांस क्षण भर के लिए रुकेगी। जब सांस बाहर रुकी हुई हो तो हमें स्पष्ट ज्ञान हो कि सांस बाहर के मोड़ पर रुकी हुई है। भीतर बाहर सांस के दोनों मोड़ पर बड़ी सूक्ष्मता के साथ ध्यान होना चाहिए। इस प्रकार अपने ही सांस की क्षण प्रतिक्षण पहरेदारी होती रहे, प्रत्येक सांस की साफ साफ एवं लगातार जानकारी बनी रहे। इस तरह के अभ्यास से हमारा मन तीक्ष्ण होता जाएगा, एकाग्र होता जाएगा। हमें जानबूझ करके अपने मन में कोई विचार नहीं लाना है। अगर अपने आप कोई विचार आ जाए तो उसका साथ नहीं देना है। हमें अपना ध्यान सांस के आवागमन पर ही लगाए रखना है। यह मन जंगली है, इसे पालतू बनाना है, अपने वश में करना है तो हमें बड़े ही धीरज का परिचय देना होगा। जरा सा भी उतावलापन नहीं आने पाए। यहां पर एक बात बड़े ही ध्यान देने की है, यह कामना करना कि मेरा मन टिक जाए, इधर उधर ना भटके, ऐसी कामना ही अपने आप में बहुत बड़ी बाधा है। गीता में लिखा है, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। अर्थात अपना सारा का सारा ध्यान काम करने के ढंग पर लगाए रखें, परिणाम कुदरत और प्रकृति पर छोड़ दें।
ध्यान में सहजता हो, इच्छा है वो बाधा है, जैसे कोई आदमी किसी का नाम भूल जाए, कोशिश करने पर भी नहीं आता, उसे छोड़ दे तो वह नाम अपने आप याद आ जाता है। अभी आप सुन रहे थे चिंतन, आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है।